रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकॉनमी द पोस्ट वॉर एरा। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर सेकंड की, या वह समय था जब एक्सेस पावर और अलायंस पावर के बीच 1939 से लेकर 1945 तक एक घमासान युद्ध चल रहा था। एक्सेस पावर जिसमें जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश आते थे, वहीं अलायंस पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यहाँ तक कि यूएसए जैसा देश भी आता था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण 60 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए और दुनिया के लगभग 3% पॉपुलेशन खत्म हो गई। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने इससे दो लेसन सीखे। पहला, अगर किसी चीज का मास प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मास कंजप्शन भी होना जरूरी है, और मास कंजप्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होनी चाहिए, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेबल करनी है तो सरकार का उसमें इंटरफेयर होना जरूरी है। दूसरा लेसन उन्होंने यह सीखा कि फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ गुड और फ्लो ऑफ कैपिटल, इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि एक देश दूसरे देश से लिंक बनाए रहे। इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए जुलाई 1944 में सारे इंडस्ट्रियल नेशन ने ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा होकर एक कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी फंड के ऊपर सारे देश एग्री हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी देश को पैसे की जरूरत है तो वह इस फंड से उस पैसे को निकाल सकता है, और इसके लिए उन्होंने दो काम किए। पहला, इन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF एस्टैब्लिश किया, और दूसरा उन्होंने इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक सेटअप किया। फिर उन्होंने 1947 में अपना काम करना शुरू कर दिया। वह किसी भी देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में एट अ फिक्स रेट चेंज कर देता था। इन सारी चीजों की मदद से जापान और इंडस्ट्रियल नेशन में ऐसी ग्रोथ हुई कि किसी ने सोची न होगी। डीकोलोनाइजेशन एंड द इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एशिया और अफ्रीका के नेशन इंडिपेंडेंट होने लगे, पर इससे वहाँ की पॉवर्टी बढ़ गई और वहाँ के रिसोर्स में कमी आ गई। और मेन बात यह थी कि इनको IMF भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियल नेशन नहीं थे। इस समय उनको सपोर्ट चाहिए था, और उनको ऐसी एजेंसीज गाइड कर रही थी जो उन्हीं कॉलोनियल पावर के अंडर में थी जिन्होंने इन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था, जिसके कारण वह कंट्री बहुत ज्यादा फायदा उठाती थी, जिसके कारण कॉलोनियल पावर अभी भी उन डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही थी। इन सारी चीजों को देखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज ने ग्रुप ऑफ 77 का गठन किया, और उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि NIEO की मांग की, जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख था। नंबर 1, उनके सिवाय उनकी नेचुरल रिसोर्स को कोई दूसरा एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। नंबर 2, उनको और ज्यादा डेवलपिंग गाइडेंस मिलेगी। नंबर 3, उनके रॉ मटेरियल की दूसरी जगह फेयर प्राइस मिलेगी, और डेवलप्ड कंट्रीज में सामान बेचने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी। एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1960 में US ट्रेड को कम करने लगा, जिसके कारण US की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी, जिससे US डॉलर अब वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी नहीं रही। और क्योंकि जो IMF था वह फिक्स रेट में किसी भी देश की करेंसी को चेंज करता था, इस कारण वह भी कोलैप्स कर गया, और एक नया सिस्टम उभर के आया जिसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात कही गई थी, यानी कि कोई देश जितना डेवलप्ड होता जाएगा उसकी करेंसी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अब ब्रिटेन जैसे देशों में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि जो MNCs थी उनको अपने फायदे के लिए एशिया बहुत अच्छी जगह लग रही थी, जिसके कारण MNCs चाइना, ब्राजील और इंडिया जैसी कंट्रीज में जाकर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने लगी, जिससे वहाँ की इकॉनमी सुधरी। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में जरूर बताना।